हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई विश आप सब अच्छे हेल्थ में होंगे। मेरे जो सारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं यही विश करता हूँ कि आप सब अच्छे हेल्थ में होंगे, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेम्बर्स सब अच्छे होंगे। अभी जो सबसे अच्छी हम किसी के लिए अगर विश कर सकते हैं तो वो यही कर सकते हैं कि वो अच्छे हेल्थ पर रहे, क्योंकि हम बहुत बड़े प्रॉब्लम्स अभी गुजर रहे हैं जो ये पैंडेमिक है। सो मास्क लगा के बाहर जाइए, हाथ धोते रहिए और सैनिटाइज प्रॉपर आप करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। ये जो वीडियो है इसमें मैं रिव्यू करूंगा मूवी राधे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मैंने ये मूवी देखी नहीं थी, बट मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि प्लीज़ रिव्यू मूवी राधे, और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके रिक्वेस्ट्स तो मेरे सर आँखों पर हैं। सो मैंने देख ली मूवी राधे। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो भी मैं रिव्यू में बोलूँगा कम्प्लीटली मेरे व्यूज़ हैं, किसी के व्यूज़ कम्प्लीटली इससे डिफरेंट हो सकते हैं एंड स्पॉयलर्स होने वाले हैं इस वीडियो में। सो अगर आप इस मूवी को नहीं देखे हैं, आप देखना चाहते हैं, तो आप पहले इस मूवी को देखिए फिर आके मेरा रिव्यू सुनिए, क्योंकि स्पॉयलर्स हैं। सो मूवी राधे ये कह सकते हैं एक तरह की मसाला एंटरटेनमेंट मूवी है, ऐसा बोल सकते हैं। और कहीं कहीं जो प्रॉब्लम आई इस मूवी के साथ, बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे फैंस जो है उनको दिक्कत हुई इस मूवी से कि ये मूवी अच्छी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जिसका बेसिक कारण है वो है इसका स्टोरी का एग्जीक्यूशन। लोग स्टार्स को बोल रहे हैं, पीपल आर टेलिंग द एक्टर्स, और ये सारी चीज़ें हो रही है। कोई किसी चीज़ को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी चीज़ को, लेकिन अगर हम उन सब चीज़ों को साइड में रखें और थोड़ी सी लॉजिकल बात करें तो ऐसा है कि स्टोरी का जो एग्जीक्यूशन है वो इस मूवी का जो है कहीं ना कहीं बहुत वीक है। और जो स्टोरी का एग्जीक्यूशन था और जो मैसी स्टोरी लाइन है इसकी, वो होगा या वो हो सकता था ये थोड़ा सा लग ही रहा था, एटलीस्ट मुझे तो लग रहा था, क्योंकि ये रीमेक है एक कोरियन फिल्म की जो कि बनाई जा रही है बॉलीवुड में, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं एक साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर प्रभु देवा जी ने वांटेड जो मूवी थी वो बहुत अच्छे से डायरेक्ट की थी, बहुत अच्छी मूवी थी, मुझे भी अच्छी लगी थी मूवी वांटेड। तो वो मूवी एक वेल मेड फिल्म थी और ये उसी का बोल रहे हैं कि सेकेंड पार्ट है, या बोल रहे हैं उसी यूनिवर्स की ये मूवी है राधे। इसका जो एग्जीक्यूशन था वो गड़बड़ हो गया, और इसके एग्जीक्यूशन के गड़बड़ का सबसे बड़ा जो स्टार्ट होता है वो वहीं हो जाता है जब ये स्टार्ट होती है ये मूवी, और जो स्टार्टिंग वाला जो सीन आता है जो सलमान खान कांच तोड़ के अंदर आते हैं। आपके पास सलमान खान जैसे स्टार हैं जिनके स्टारडम के कारण इतने कलेक्शंस आते हैं। राधे मूवी का कलेक्शंस जो है वो अच्छा कलेक्शन आया, नो डाउट, मैं भी मानता हूँ कलेक्शन सारा थे कि अच्छे हैं, और वो सलमान खान के स्टारडम की वजह से ही वो कलेक्शंस आए हैं। लेकिन हमको कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन को तो देखना पड़ेगा। तो जो वो जो एंट्री सीन है, एंट्री सीन बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे मसाला एंटरटेनमेंट मूवीज़ में, खास करके सलमान खान की मूवीज़ में। जो दबंग की एंट्री याद करो, एक था टाइगर की एंट्री याद करो, क्या ज़बरदस्त एंट्रीज थी इस मूवीज़ में। और इसमें जो एंट्री है वो एक कांच तोड़ के आते हैं इतने तेज़ी से, और वो विलन के यहाँ पे कांच लगता है और वो फिर रिवर्स में लेके जाता है, तो फिर देखता है कि अरे वो कांच तोड़ के आए थे और इतना सब कुछ जल्दी हुआ कि मुझे दिखाई नहीं। सो ये जो एंट्री है कहीं ना कहीं एक सुपर हीरो मूवी रहती तो ये एंट्री ठीक था। और दूसरी बात यह है कि अब हम लोग सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सारी मूवीज सब लोग देखते हैं। फ्लैश की थी इतनी तेजी, और जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग अभी रिलीज हुई है। फ्लैश में ऐसे बहुत सारे सीन्स थे, फ्लैश का जो कैरेक्टर है उसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स थे। सो एंट्री इस वजह से थोड़ी सी वीक पड़ी। उसके बाद जो गाने हैं, गाने का जो टाइटल ट्रैक मेलोडियस है टाइटल ट्रैक, आई विल नॉट से एनीथिंग बैड अबाउट इट, क्योंकि मैं हेटर नहीं हूँ, मैं किसी तरह का जबरदस्ती की हेटफुल बातें नहीं करने आया हूँ। आई लाइक बजरंगी भाईजान, मुझे सुल्तान भी पसंद आई थी, मुझे एक था टाइगर भी पसंद आई थी, मुझे इवन दबंग भी पसंद आई थी, क्योंकि वो मसाला एंटरटेनमेंट मूवीज थी, अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल उस पक्ष में नहीं हूँ कि आप हर चीज़ में लॉजिक ढूंढो, लेकिन जिस चीज़ में लॉजिक आपको नहीं ढूंढना है इसका मतलब यह है कि वहाँ एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए, जो कि ज़्यादातर होता है सलमान खान की मूवीज़ में, कि एक्शन है, कॉमेडी है, मज़ा आ रहा है देख करके। और जो फैंस जो बोलते हैं ऐसा है वैसा है, तो ये फैंस अभी बने ना एक था टाइगर देख के, अभी बने ना दबंग देखने के बाद। मुझे सलमान खान की मूवीज़ जो तेरे नाम मूवी आई थी मुझे तब से पसंद है, मैंने उनकी जानम समझा करो देखी है, वो भी मुझे पसंद है। जब प्यार किसी से होता है, प्यार किया तो डरना क्या, ये सब टाइम से मुझे एंटरटेनमेंट वाली मूवीज अच्छी लगती है। थोड़ी सी लव स्टोरी हो गई, थोड़ा सा एक्शन हो गया, अच्छा है, रिफ्रेश हो जाता है, लेकिन एंटरटेनमेंट वैल्यू जो है बहुत हाई होनी चाहिए। और राधे में एंटरटेनमेंट वैल्यू कहीं ना कहीं कम है।
इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी सीन्स को कहीं ना कहीं से लिया गया है। आपको लेने की ज़रूरत नहीं है सीन्स को, एक्शन मूवी बना रहे हो, आपके पास रणदीप हुड्डा जैसा टैलेंट है, आपके पास हाई स्टारडम वाला लीड है, आपको कॉपी करने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। आप रीमेक बनाओ ना, आउटलॉज का रीमेक है राधे, आप बिल्कुल रीमेक बनाओ, फ्रेम टू फ्रेम कॉपी कर दो, वैसी की वैसी रीमेक की जो ओरिजिनलिटी है, जो रीमेक जो ओरिजिनल मूवी थी, ओरिजिनलिटी के साथ आप लॉयल रहो और वैसी कर दो, फिर भी मूवी अच्छी बनती है। लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस है, आउटलॉस जो मूवी है उससे भी इस मूवी में बहुत सारे डिफरेंसेस है। एक सीन है, एक वो वाला सीन है जो आउटलॉस में भी है, जिसमें एक वॉशरूम में फाइट होती है, वो सीन जो है आउटलॉस में भी है, उसमें वॉशरूम में फाइट होती है, तो इसमें भी वो सीन लिया गया है। कहीं ना कहीं ये सीन जो है, मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लगा कि मुंबई सागा का जो सीन था, जो जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी लड़ रहे थे, वैसा टाइप का सीन है। तो वहाँ पर भी लोगों को, मुंबई सागा भी अभी रिलीज हुई है, फिर जो इस मूवी का क्लाइमेक्स है, इस मूवी के क्लाइमेक्स में जो वो एक जीप उड़ती है और जो वो हेलीकॉप्टर में जो सलमान खान जाते हैं, एकता टाइगर में भी ऐसी सिर्फ बाइक थी वहाँ, बाकी हेलीकॉप्टर वॉप्टर सेम था बिल्कुल, तो वो भी सेम है। फिर म्यूज़िक तो है ही इसका, सीटी मार वाला गाना जो है वो अल्लू अर्जुन का सॉन्ग है, उसे लिया गया है। और भी दिक्कत है, और क्या दिक्कत है, ऐसी सब मूवीज़ जो रहती है ना, इसमें पता नहीं जो कुछ कुछ मेकर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि हम हीरोइन को बराबर का स्क्रीन प्रेजेंस देंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। एक था टाइगर, इसीलिए ये मूवी अच्छी थी, क्योंकि अगर उसमें सलमान खान एजेंट था तो उसमें कटरीना कैफ भी एजेंट थी, दोनों ने एक्शन किया था तो मूवी देखने का एक अलग ही मजा आता था। इस मूवी में जो दिशा का जो रोल है, जो वो मॉडल बनी है इस मूवी में, उनका रोल का कोई रिलेवेंस नहीं है स्टोरी के साथ। आप मॉडल ही बनाओ, मैं नहीं बोलता एजेंट बनाओ, हर प्रोफेशन अपने आप में रिस्पेक्टेबल होता है, आप मॉडल ही बनाओ, आप जर्नलिस्ट ही बनाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन उनका बराबर वैल्यू एडिंग तो होना चाहिए ना स्टोरी में। क्यों ऐसा है कि हीरो आएगा तो 50-50 कर दो, हीरो की भी सेम स्क्रीनिंग, हीरोइन की भी सेम स्क्रीन टाइम कर दो ना, और बराबरी स्टोरी पे फोकस्ड रखो, हीरोइन का भी काम डालो ना स्टोरी पे। ये कब तक हीरोइंस बस थोड़े से टाइम के लिए आएंगे जाएंगे, एक आध दो गाना होगा और ख़त्म हो जाएगा, सो चेंज नहीं होता ना इसमें कुछ। और ऐसा नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही चीज़ें हम करते रहें तो वो सारी चीज़ें वर्क करें। कहीं ना कहीं ये मूवी मुझे टाइम पे स्टक लगी, जैसे 2010-2011 उस टाइम ये मूवीज़ आ रही थी, तब के लिए मसाला एंटरटेनमेंट मूवीज़ का टाइम चल रहा था, विच वॉज गुड, कम्प्लीटली गुड। अभी हम लोग उससे बहुत आगे आ चुके हैं। आपको मसाला एंटरटेनमेंट मूवी बनानी है तो आपको बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत कुछ। ऐसे वही फॉर्मूला को अपना दोगे तो नहीं चलेगा। और उस समय भी जो इसकी वांटेड मूवी आई थी, मैं अभी भी बोलता हूँ वांटेड बहुत अच्छी पिक्चर थी, आखिरी में जो उसका क्लाइमेक्स जो रिवील होता है अच्छा है, वांटेड एक्शन भी उसका अच्छा था, स्टोरी भी अच्छी थी इस मूवी की, एग्जीक्यूशन गाने सब कुछ अच्छा था वांटेड में। सो उस टाइम से भी अगर आपको बनाना है तो आपको कुछ ना कुछ तो उसमें करना पड़ेगा अभी के हिसाब से। और कहीं ना कहीं टेक्निकल वेज में भी ये खराब है, टेक्निकल वेज में तो मुझे उतना समझ नहीं आता जब मैं एक बार मूवी देखता हूँ तो टेक्निकल वेज में। बट मेरे एक बड़े भैया हैं, उनसे मेरी अभी बात हुई, वो प्रोफेशनल है, ही इज़ अ एडिटर, वो एडिटर है, तो उन्होंने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई और उसके बाद मैंने मूवी को देखी तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी थोड़े से गड़बड़ हैं इस मूवी के, क्योंकि जो VFX यूज़ किया गया है, VFX काफ़ी रिच होने चाहिए थे, VFX कहीं ना कहीं मार खाते हैं, कहीं ना कहीं VFX जो रहते हैं वो थोड़े से बनावटी लगते हैं। और VFX अगर किसी भी पॉइंट पर ऐसा लग रहा है ना कि ये VFX है, मतलब आपका VFX वहीं फेलियर हो चुका है, VFX पूरे ओरिजिनल लगने चाहिए। और दूसरी बात, आपके पास ऑलरेडी इतने पॉजिटिव पॉइंट्स थे, आपके पास इतना बड़ा नेम था राधे, जो कैरेक्टर था तेरे नाम में, जो कैरेक्टर था वांटेड में, आप इसमें आपको VFX की जरूरत ही नहीं थी, आप सिंपल एक्शंस डाल देते, कैरेक्टर्स डाल देते और थोड़ी अच्छी स्टोरी डाल देते, मूवी मतलब ऐसी थी कि वांटेड का सीक्वल जो होता वो वांटेड से ज़्यादा बड़ी सक्सेस रहती। कलेक्शंस के मामले में मैं बार बार कह रहा हूँ, कलेक्शंस के मामले में हो सकता है सक्सेसफुल है, कलेक्शंस हुए हैं और वो सलमान खान के स्टारडम के कारण कलेक्शंस हुए हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। अगर कोई उनकी मूवी इसलिए देखना चाहता है जस्ट बिकॉज दे लव हिम टू सी, तो वो ठीक है, इस बात से भी कोई वो नहीं है, मतलब कि कोई गड़बड़ बात नहीं है ये कि आप किसी हीरो को पसंद हो करके आप उसकी मूवी जा रहे हो, जा सकते हैं। बट हाँ, हर इंसान के जो व्यूज़ रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, और कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन गड़बड़ है इस मूवी का, डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, VFX का भी दिक्कत है,
और क्योंकि आजकल सब बोलने लगे हैं कि यार ये तो एक ही टाइप के मूवीज बनाते हैं, ये एक ही टाइप के डायरेक्टर, एक ही तरह के एक्टर, सो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे राधे मूवी को देखा तो मुझे ये मूवी से मैं निराश इसीलिए भी हुआ क्योंकि जब लोग बोल रहे हैं कि एक ही तरह के तो मूवीज बना रहे हैं ये डायरेक्टर्स ये एक्टर्स, तो यार ऐसा नहीं है। क्यों आप ऐसा मौका दे रहे हो कि लोग बोलें कि एक ही तरह का तो मूवी बना रहे हैं? जब सिर्फ रोमांटिक मूवीज बनती थी तभी रिस्क ले लिया था डायरेक्टर्स ने। तेरे नाम जैसी मूवी आई थी जिसमें जो लीड है वो ही वायलेंट था, इतना स्टैंड आउट कैरेक्टर था, वो बहुत मुश्किल था उस कैरेक्टर को एक्सेप्टेबल बनाना, बट वो एक आउट ऑफ द टाइम कैरेक्टर था और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, वो मूवी चली, हिट हुई, कलेक्शंस भी अच्छा है, लोगों ने बोला भी उसको अच्छा। सो ये सारी प्रॉब्लम्स है राधे मूवी के साथ, ये प्रॉब्लम्स तो है कि एग्जीक्यूशन इसका ख़राब है। और आप कोरियन मूवी को लेते हो तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको क्या देखना पसंद है, क्योंकि कोरियन मूवीज जो रहती है उनका एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, उनकी स्टोरी जो है उसका एग्जीक्यूशन का पार्ट बहुत फास्ट रहता है। सो ये है, सो ये प्रॉब्लम्स थी मेरे हिसाब से राधे मूवी के साथ। इस कारण जो है बहुत लोगों को इससे कंप्लेंट्स थी, बहुत लोगों को अच्छी भी लगी ऑफकोर्स मूवी, और ठीक है देख रहे हैं वो उस मूवीज़ को, तो ये चीज़ भी हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर हमें पसंद नहीं आई तो किसी को पसंद आई तो हमें उस चीज़ की भी रिस्पेक्ट करनी है, हमें पसंद आई किसी को पसंद नहीं आई तो हमें उस चीज़ की भी रिस्पेक्ट करनी है। सो यही था मेरा रिव्यू, अब आपसे मुलाकात अगले वीडियो पे होगी, तब तक के लिए टाटा, अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर बिल्कुल लगाइए, बेवजह घर से बाहर मत निकलिए। आई केयर फॉर यू इसीलिए मैं कह रहा हूँ। बाय बाय।